पुलिस हमेशा देर से क्यों पहुंचती है? भाई नेताजी अपने वादे निभाना कब सीखेंगे? गरीब की कमाई कब तक लूटी जाएगी माय बाप? सिनेमा के नाम पर नंगाई कब तक चलेगी? महंगाई का कोई और छोर है कि नहीं? यहाँ तो सही काम के लिए भी घूस देनी पड़ती है, बिना नौकरी की डिग्री किसका? नमस्कार, आप देख रहे हैं MPCG 24 न्यूज एक्सप्रेस। आज की ताजा खबरों के साथ मैं स्वाति। रानीताल ईदगाह में हजारों रोजेदारों के साथ रोजा अफ्तार का भव्य कार्यक्रम हुआ संपन्न। 23 वर्षों में रमजानुल मुबारक के परंपरागत रोजा अफ्तार की इस परंपरा को निभाते हुए हाजी गुलाम मोहम्मद भूरे पहलवान की सरपरस्ती में सगीर राइन की जानिब से रोजा अफ्तार कराया गया। तत्पश्चात अफ्तार रोजादारों में मगरिब की नमाज अदा की, जिसमें मुल्क की तरक्की, खुशहाली, अमनो अमान व आपसी भाईचारे की दुआ की। जबलपुर में हो रहे रोजा अफ्तारों की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए सगीर राइन द्वारा रानीताल ईदगाह में हजारों रोजेदारों के साथ रोजा अफ्तार का भव्य कार्यक्रम संपन्न हुआ। रोजा अफ्तार के इस आयोजन में प्रमुख रूप से विधायक व पूर्व कैबिनेट मंत्री मध्य प्रदेश शासन लखन घनघोरिया, विनय सक्सेना, प्यारे साहब, गुड्डू नबी, पूर्व पार्षद सईद राइन, इंदुरीस रजा, जयाउल पहलवान, सरदार मोहम्मद, अयाज दाइन, मजहर उस्मानी, सुहल अजहर, शादाब नवाब आदि रोजेदारों ने शिरकत की। संभागीय ब्यूरो चीफ राजकुमार यादव के साथ संवाददाता शिवानी बेन की रिपोर्ट। 23वां रोजा अफ्तार हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी सही राइन की जानिब से ईदगाह में कराया जाता है, जो कि आज इस ईदगाह के अंदर हजारों हजार की तादाद में लोगों ने अफ्तार किया। देश के अंदर अमन और अमान की दुआएं मांगी गई और सभी ने खुशहाल दुआएं मांगते हुए देश के अंदर अमन अमान की दुआ मांगी। सर मैं जी सर बताएं। 23 रमजानुल मुबारक, 31 साल हो गए अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सगीर राइन साहब की जानिब से हर 23 रमज़ान को रोज़ा अफ्तार किया जाता है। आज इसी श्रृंखला में रानीताल ईदगाह में रोज़ा अफ्तार का अहतमाम किया गया। बाद नमाज मगरिब दुआ की गई, हिंदुस्तान हमारे मुल्क में खुशहाली आए, अमन व अमान और भाईचारा कायम रहे। इसी के साथ हम ये भी दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे मुल्क में खूब तरक्की दे, और इसी दुआ के साथ इमाम साहब ने भी आज दुआ करी है कि रमज़ान करीम की बरकत हमारे पूरे देश में ना हो। शुक्रिया जी भाई सर। आज रमज़ान का 23वां रोज़ा और सगीर भाई के पूरे परिवार के द्वारा आज आप देख रहे हैं रोज़ा अफ्तार का आश्रम रखा गया है। मुस्लिम भाई पूरे एक माह रोज़ा रखते हैं और ये पवित्र दिन और पवित्र माह कहलाता है। इस अवसर पे जो लोग भी रोज़ा अवतार रखते हैं वो सभी लोगों की उनको दुआएं मिलती हैं। मेरा मानना है कि ये अच्छा काम जो परिवार के द्वारा किया गया है पूरे परिवार के सदस्यों को और यहाँ पर उपस्थित सभी रोज़गारों को मेरी ओर से बहुत शुभकामनाएं, बहुत बधाइयाँ। अफ्तार का कार्यक्रम सभी राय के परिवार के उनके बेटे शादाब और अजहर इनकी ओर से किया गया है। निश्चित रूप से ये भी एक रोजगारों की सेवा करना भी सवाल का काम है। सब मिलकर दुआ करते हैं सबकी सलामती की। पिछला समय सबका बहुत कठिन था, मालिक की दुआ करके सब अच्छे वातावरण में रहें, अच्छे से स्वस्थ और प्रसन्न रहें, एक दूसरे के भाईचारा कौमी इत्यादि और सद्भावना के वातावरण जो हमारे बुजुर्गों की धरोहर है, जो हमको विरासत के रूप में और जो हमारी संस्कृति की परंपरा भी है, इसको सहज के संभाल के रखें। इस बात की सब दुआ भी करते हैं और सबका अपना प्रयास होता है। मैं राइन परिवार को इस अच्छे प्रयास के लिए बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, शुभकामनाएं।